नमस्कार दोस्तों, बी एक्शन की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट का ग्रेड कार्ड बनाना सीखेंगे। तो ग्रेड कार्ड में मेनली मैं आज ये तीन कंपोनेंट कवर करूँगा, तीन टॉपिक कवर करूँगा। इसमें सबसे पहले हम टोटल कैसे निकालें, ग्रेड कैसे निकालें और रैंक कैसे निकालें, ये मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। लेकिन मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको बिल्कुल ही एक्सप्लेन करूँगा कि आप अगर आप ये प्रैक्टिकल करते हैं तो आप कैसे ये निकाल सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों कॉलम को हाइड कर लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मैंने कर दिया माइनस। हाँ, सबसे पहले जो है मुझे टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए सिंपल जो है हम दो यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इज इक्वल टू सम। सबसे पहले मैं इन स्टूडेंट के इन चारों सब्जेक्ट का सम कर लेता हूँ। उसके बाद इसी को मैं डिवाइड कर देता हूँ काउंट काउंट करके, यानी ये चार से इसको जो है मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। आप सिंपल चार भी लिख सकते हैं या आप जो है काउंट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। काउंट फंक्शन का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इनके अगर फ्यूचर में मान लीजिए आपने कोई एक नया सब्जेक्ट ऐड किया तो आपको बार बार वहाँ पर जाकर मैनुअली चेंज नहीं करना पड़ेगा, नो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। बस आपको रेंज जो है एक बार सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद इसको हम इंटू करेंगे वन से। तो अब यहाँ पे जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये परसेंटेज आ चुका है, यानी जो पहले वाले जो स्टूडेंट है उनका जो है 60.25% जो है नंबर आया है, ये जो काफ़ी बढ़िया नंबर है। इसके बाद हम जो है ग्रेड निकालना सीखते हैं। ग्रेड निकालने के लिए बेसिकली हमें एक मेन फंक्शन का यूज़ करते हैं, इफ़ फंक्शन। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हम एक इफ़ नहीं, कई सारे इफ़ यूज़ करेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें लिखना है इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हमने सेल सेलेक्ट किया कॉमा, अगर ये वाला जो सेल है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो हम स्टूडेंट को देंगे क्या, ए ग्रेड। फिर हमने लिख दिया कॉमा। अब हम यहाँ पे फॉल्स पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे एक और इफ चलाएंगे। एक और इफ चलाया, उसके बाद दोबारा से हमने यही वाला सेल सेलेक्ट किया क्योंकि काफ़ी लोगों के जो है 90 से ज़्यादा है नहीं, तो उससे नीचे वालों का क्या ग्रेड आना चाहिए, तो यहाँ पे हम देंगे। उसके लिए हम लिखेंगे इजगल टू, अगर फिर वही सेल सेलेक्ट करके, फिर अगर वो वाला सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं है बट अगर 75 से अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे हम उसको बी ग्रेड दे देते हैं। उसके बाद भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर 75 से ज़्यादा नहीं है तो हम उसके लिए एक और इफ़ लगा देते हैं। एक और इफ़ के बाद जो है हम दोबारा वही सेल सेलेक्ट करेंगे, दोबारा एक और कंडीशन देंगे इज इक्वल टू, अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, अगर 60 इससे ज़्यादा है तो भैया लो भैया आप सी ले लीजिए, सी ग्रेड ले लीजिए। उसके बाद भी काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि हम तो हमारा नंबर तो 60% से भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं बोल कोई बात नहीं आपके लिए एक और फंक्शन चला देते हैं इफ़। और अगर इफ़ दोबारा यही, और अगर आपको दोबारा यही ग्रेटर देन इक्वल टू 45, यानी अगर 45 से ज़्यादा है तो भैया आप ले लीजिए डी ग्रेड। नहीं, डी वाले भी पास हो जाते हैं लेकिन डी ग्रेड ले लीजिए। फिर आप बोलेंगे भैया हमारा तो इससे भी कम है, तो अगर आपका 45 से भी कम है, अगर आप 45% नंबर से भी कम है तो आप लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे अब हम यहाँ पे आप कोई कंडीशन नहीं देंगे, हम सीधा वैल्यू इफ़ फॉल्स हम यहाँ पे, यानी अगर उनका चारों कंडीशन से मैच नहीं किया, यानी आपका 45% भी नहीं है, 60% भी नहीं है, 75 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, है ना, आपको 45 से भी कम नंबर है तो भैया आप लीजिए ई ग्रेड। ई ग्रेड यानी आपको दोबारा से पढ़ना चाहिए, है ना। हम यहाँ पर ले लेंगे ई ग्रेड और यहाँ पर ये कर दिया हुआ ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखिए इनका सी ग्रेड आया है और कंडीशन ये डी ग्रेड, यहाँ पे ये सी और ये इनका डी ग्रेड आया है, ठीक है। अब इसमें काफ़ी लोग बोलेंगे हमें इसमें पता कैसे करेंगे कि हमें सिर्फ पास और फेल स्टूडेंट का जानना है, तो उसके लिए हम यहीं पे हम एक और इफ़ी फंक्शन की हेल्प से हम एक सिंगल कंडीशन लगा के हम पता से कर सकते हैं कि स्टूडेंट पास है या नहीं। तो हम लगाएंगे इजगल टू इफ, इजगल टू इफ, फिर हमने वही वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, अगर वो वाला सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, यानी 45 से ज़्यादा है तो हम उसको कर देंगे पास, नहीं तो भैया आप हो फेल। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, पर आप फेल हो। यहाँ पे हमने एंटर कर दिया और यहाँ पे इसको हमने कर दिया नीचे, ये यहाँ तक पूरा ये हमने कर दिया पेस्ट। तो यानी ये स्टूडेंट फेल है, ये स्टूडेंट फेल है, 43 नंबर वाले फेल है, 40 नंबर वाले फेल है, बाकी सारे जो है पास। अब बोलेंगे भैया पास फेल तो हो गए पर हमें रैंक निकालना है कि क्लास में फर्स्ट कौन आया, कि काफ़ी बंदों की क्यूरियोसिटी रहती है कि नंबर तो ज़्यादा आ गए भरपाई फर्स्ट कौन है, हु इज़ अ टॉपर। तो चलिए हम टॉपर भी निकाल लेते हैं। इसको इसके लिए हम सिंपली एक रैंक फंक्शन यूज़ करेंगे इजगल टू आर ए एन के रैंक। अब भैया बोला रैंक किसका निकालना है, सबसे पहले हम ये वाला नंबर परसेंटेज के बेसिस पे हमें रैंक निकालना है, ठीक है। तो हमने परसेंट सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया। अब ध्यान दिया काफ़ी लोगों का ये रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद उनका आंसर जो है ठीक नहीं आता है, तो एक्चुअली वो रेफरेंस को जो लॉक नहीं करते। रेफरेंस को लॉक करने का मैंने पहली शॉर्टकट की बता चुका है F4।
आप F4 सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आपका रेफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, तो हमें वही चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर, ये लीजिए ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो भैया इसका 11 नंबर आया, इसका 11 रैंक आया। यहाँ पे हमारे में क्लास में फर्स्ट कौन है भैया? फर्स्ट है हमारे ये, फर्स्ट हमारे ये हैं, हमारे ये रवि भैया हमारे फर्स्ट आए हैं, ठीक है। तो अब जो है आप बोलेंगे नहीं हमें किसी एक ही उस पर आप बता दीजिए कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया है, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल सा आप काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसका टोटल परसेंटेज कितना है जिसका फर्स्ट आया है। तो इसके लिए हम सिंपल एक मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं, ये आपके लिए बोनस टिप है। MAX मैक्स, यहाँ से पूरा सेलेक्ट, यहाँ पे 79% वाला जो पर्सन है वो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है। अब आप पूछेंगे सबसे नीचे से टॉप कौन आया है? भाई इसमें नीचे से भी टॉप काफ़ी बंदे आते हैं ना, तो उसके लिए हमने लिख दिया मेन सिंपल सेलेक्ट अयरा, यानी जो सबसे टॉपर है वो 79 और जो सबसे कम लाया है वो 40, अराउंड हाफ का डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, या कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ये जो वीडियो मैंने अपने एक सब्सक्राइबर के कहने में बनाया था, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने काफ़ी जल्दी कवर की हूँ, क्योंकि इनके जो बेसिक टॉपिक है वो वन बाय वन में कवर करते हुए आ रहा हूँ। अब हमारी एक्सेल की बेसिक प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, और जल्दी हम एक्सेल की एक एडवांस जॉब रेडी कोर्स लेके आएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसमें हम इंग्लिश से लेकर एक्सेल के सारे ट्रिक्स एंड ट्रिप्स बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।